2025 में फिनलैंड में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और आप ये प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको फिनलैंड को कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो अगर आप फिनलैंड को चूज़ करते हैं तो आपको मिलते हैं, उसके अलावा कितना आपका एक्सपेंस आ जाएगा, और अगर फिनलैंड जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है वो किस टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, और टोटल आपका बजट जो है वो कितना लगेगा। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। फिनलैंड बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स अगर आप बात करते हैं तो इसके लैंड बॉर्डर्स जो हैं स्वीडन के साथ लगते हैं, और उसके अलावा कुछ एक दो और कंट्रीज हैं जिनके साथ इसका लैंड बॉर्डर अटैच होता है। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है, जो दूसरे कंट्रीज है जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, इन कंट्रीज़ को बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो यूरोप में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही हमेशा सबसे ऊपर आते हैं। अगर आप इवन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो फिनलैंड पिछले 3 से 4 सालों में हमेशा नंबर 1 पर आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि उनके जो सिटीजन हैं वो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी पॉलिसी से, अपनी इनकम से और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको वहाँ मिलती है उससे सेटिस्फाई हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे फिनलैंड की स्टडी के हवाले से। क्योंकि फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और शेंजन एरिया में आता है, इसलिए आपको जब फिनलैंड का वीज़ा मिलता है तो आप 29 अदर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और आपको वीज़ा बेसिकली तकरीबन 29 कंट्रीज़ का वीज़ा ही कलेक्टिवली वहाँ पे मिलता है। अब हम बात करते हैं फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो फिनलैंड में जो हायर एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें बेसिकली दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक सिंपल यूनिवर्सिटी होती है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं, जैसे कि जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में भी आपको मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जबकि अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बेसिकली आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। वो अदर कोर्सेज जो होते हैं वो करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको उनमें बेसिकली आपको करियर के लिए तैयार किया जाता है। तो फिनलैंड में दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम की, तो बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम दोनों आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में आप आफ्टर 12th वोकेशनल स्टडीज पे भी वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे बेसिकली आपका एक्सपेंस जो है वो नहीं होता, क्योंकि फिनलैंड के वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में वीडियो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम तो आपको मिलते हैं। बेसिकली अगर इंटेक्स की बात करते हैं तो फिनलैंड में दो मेजर इंटेक्स होती हैं, एक जनवरी इंटेक होती है और दूसरी जो मेजर इंटेक होती है वो सितंबर इंटेक होती है। जनवरी इंटेक जो होती है वो ज़रा छोटी इंटेक होती है, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि उसमें जो बैचलर्स के कुछ प्रोग्राम होते हैं उसमें आपको एंटी टेस्ट नहीं देना पड़ता, आपका डायरेक्टली एडमिशन ही हो जाता है। उसके बारे में भी सेपरेटली वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जनवरी इंटेक में कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जनवरी इंटेक के एडमिशन जो है वो तकरीबन 3 से लेकर 18 सितंबर के दौरान आप अप्लाई कर सकते होते हैं। स्टडी इन्फो इनके एक पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाके जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जनवरी इंटेक इनकी दोबारा ओपन होगी मैं तब भी एक रिमाइंडर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो जो मेजर इंटेक इनकी है, जो सितंबर इंटेक जिसको कहते हैं, उसके एडमिशन बेसिकली दिसंबर में स्टार्ट होते हैं और ये जनवरी तक जाते हैं। दो टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पे होती हैं, एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है और एक ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है। अगर हम बात करते हैं सेपरेट एप्लीकेशन में, तो उसमें बेसिकली अपने हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके आप वहाँ पे सेपरेटली अप्लाई करते हैं। अगर आप ज्वाइंट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ज्वाइंट एप्लीकेशन बेसिकली तकरीबन 12 से 14 दिन के लिए पोर्टल ओपन होता है जनवरी में। तो आप उस दौरान उस पोर्टल के ऊपर जाके आपने एक साथ एक एप्लीकेशन में कलेक्टिवली 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोग्राम्स एक यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेवरल यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, जो कि सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशन में एडमिशन ऑफर करती है, वो ज्वाइंट एप्लीकेशन में एडमिशन ऑफर नहीं करती। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में ऑटम इंटेक के लिए या सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यों आपको फिनलैंड को कंसीडर करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि फिनलैंड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री द वर्ल्ड है, नंबर 1 पे है, तो इस वजह से फिनलैंड में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो फिनलैंड में 3 तरह के स्कॉलरशिप्स बेसिकली ऑफर होते हैं। एक फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है। फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में जो फिनलैंड की गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको फुली फंडेड प्लेसेस वहाँ पे ऑफर करती है। वो हर यूनिवर्सिटी और हर प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर प्रोग्राम 2 बच्चों को सेलेक्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर प्रोग्राम
एक बच्चे को सिलेक्ट करती हैं। सो बेसिकली आपकी जो टोटल ट्यूशन फी होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसके अलावा आपको 5,000 यूरो जो है वो एक जब रिएलोकेशन ग्रांट आपको वहाँ पे मिलता है, तो जब आपको 5,000 यूरो भी एक बार वहाँ पे मिलेगा तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है वो बहुत कम हो जाती है, आपने सिर्फ 1720 यूरो जो है वही बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरे टाइप के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होते हैं। इसकी पॉलिसीज जो है वो डिफर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 70% डिस्काउंट ऑफर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 50% आपको डिस्काउंट जो है वो ऑफर करती है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं जो आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर भी दे देती हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता लेकिन आपको 100% ट्यूशन फी अगर आपकी वेवियर मिल गया तो देन आपका एक्सपेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा और आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको जो थर्ड टाइप का डिस्काउंट मिलता है उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट कहते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट में ये होता है कि आपको बेसिकली एक टाइम दिया जाता है जब आपको आपका एडमिशन ऑफर हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप उस टाइम लाइन तक या उस डेडलाइन तक विद इन 15 डेज अगर आप अपनी फीस सबमिट करवाते हैं तो आपको इनिशियल डिस्काउंट में मिल जाता है। ये जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट काफी ज्यादा अमाउंट भी हो सकती है, उनकी इवन 50% तक फीस जो है वो भी माफ हो सकती है अगर वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल करते हैं। जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका बेसिकली उनको 500 यूरो या 1000 यूरो का उनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है, बाकी फीस उन्होंने सबमिट करवानी ही होती है। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है जो फिनलैंड में आपको मिलता है वो बेसिकली इनकी वीजा रेशो है, फिनलैंड की वीजा रेशो 100% है, किसी भी स्टूडेंट का वीजा जो है रिजेक्ट नहीं हुआ। 3 साल से हम भी डील कर रहे हैं फिनलैंड को, तो अगर आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स ने फिनलैंड के अप्लाई किया वो वहाँ पे जा चुके हैं और किसी का भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। और इसी तरह पार्ट टाइम जॉब्स की अगर आप बात करते हैं तो फिनलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 20 आवर्स अलाउ होता है, यहाँ पे आपको 30 आवर्स अभी पार्ट टाइम जॉब की परमिशन है, तो आप इजीली वहाँ पे अपना अपनी जॉब वगैरह जो है वो कर सकते हैं और अपने जो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह उनको निकाल सकते हैं। सैलरी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तकरीबन 13 यूरो पर आर आपको इजीली सैलरी वहाँ पे मिल जाएगी किसी भी और जॉब की, तो आपके पास हैंडसम अमाउंट जो है एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास आ जाती है। उसके बाद पीआर की बात करते हैं तो अभी पॉलिसीज कुछ चेंज हुई हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट आई है वो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने पीआर की पॉलिसीज कुछ थोड़ी सी चेंज की हैं, तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो उसको थोड़ी सी लीनियंसी शो कर देगी, तो पीआर फिनलैंड का जो पीआर है वो भी आपको इजीली मिल जाता है। अभी उन्होंने उसका थोड़ा सा सिर्फ टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, पहले आपको 4 साल के बाद आपका रेजिडेंस परमिट जो था वो पीआर मिल जाती थी, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 5 से 6 साल कर दिया है। इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस पे मैं बेसिकली एक सेपरेटली वीडियो कंप्लीट बना दूंगा क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो मेन एक्सपेंस आपका होता है वो आपकी ट्यूशन फीस ही होती है, और आपके जो टोटल एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है आपकी ट्यूशन फी के ऊपर। यूजली जो यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फिनलैंड में, क्योंकि वो उसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको डिस्काउंट जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है, उसके बारे में भी सेपरेटली वीडियो मैंने बनाई है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये जो टोटल आपकी कॉस्ट होगी वो जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा तो आपको डिस्काउंट जो मिला होगा उसकी बेस पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि आपको 100% डिस्काउंट यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है, आपको ट्यूशन फी नहीं जमा करवानी पड़ती, तो देन उस केस में आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होगी। बैंक स्टेटमेंट का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप बैंक स्टेटमेंट किसी की भी शो करवा सकते हैं, चाहे वो आपका फैमिली रिलेटिव नहीं भी है। तो जिस बंदे के आप बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे आप बेसिकली सिंपली एक एफिडेविट साथ शो करवा देंगे और साथ में उस बंदे की मनी ट्रेल शो करवा देंगे, टैक्स रिटर्न्स वगैरह शो करवा देंगे कि ये पैसे उस बंदे के पास कैसे आए और ये उस बंदे के अपने जेन्युइन पैसे हैं और वो आपको फंड कर रहा है, तो इजीली आपको कोई भी इशू इस चीज में नहीं आएगा, कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो उसके अलावा जो मेन एक्सपेंस आता है वो फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में जो है वर्किंग नहीं कर रही तो इसलिए आपको दुबई जाना पड़ता है, तो 2 से 3 लाख रुपया तकरीबन आपका वहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है। ये एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 100% आपका ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है तो यू कैन से कि आप इजीली आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा वो अंडर 10 लाख आप फिनलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। तो बाकी एक्सपेंसेस के ऊपर मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप के बारे में, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप स्टडी इन फिनलैंड के बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो चैनल से वीडियोस को देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, और तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो देन आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी से आप अपनी आइल्स वगैरह की तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि मास्टर्स और बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए फिनलैंड में आइल्स कंपलसरी है और आपको आइल्स जरूर देना पड़ता है, तो इसलिए आप अभी से अपने आइल्स वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और आप 2025 में फिनलैंड में जाएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन अल्लाह।